हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोजेम पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, अगर आप डीडी फ्री डिश के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अहम खबर है, क्योंकि प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश के MPEG2 सेटअप बॉक्स के ग्राहकों के लिए 42वें ईऑक्शन का ऐलान कर दिया है। अब आपको MPEG2 कैटेगरी में जो खाली स्लॉट्स पड़े हुए थे उनकी जगह नए चैनल देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश की ई ऑक्शन पॉलिसी में बड़े बदलाव किए थे, और आज प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश में खाली पड़े स्लॉट्स को भरने के लिए 42वें ई ऑक्शन का ऐलान भी कर दिया है। यह ई ऑक्शन प्रो रेटा बेसिस के ऊपर किया जाएगा, मतलब इस ई ऑक्शन में जो आपको चैनल देखने को मिलेंगे उनका प्रसारण 1 दिसंबर 2019 से लेकर 29 फरवरी 2020 तक के लिए किया जाएगा। यानी कि सिर्फ 3 महीने के लिए आपको नए चैनल देखने को मिलेंगे। उसके बाद सभी चैनलों के लिए फिर से एक बड़ा ई ऑक्शन किया जाएगा, जिसमें जो चैनल चुने जाएंगे उनको पूरे 1 साल तक के लिए देख पाएंगे। इस ई ऑक्शन में सभी बकेट्स को रखा गया, जैसे कि A+, A, B, C और D, लेकिन कौन सी बकेट में कितने चैनल आएंगे इसके बारे में अभी तक प्रसार भारती ने कोई जानकारी नहीं दी है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर एक बकेट के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो फिर ई ऑक्शन किया जाता है, जिसके लिए अभी जो डेट रखी गई है वो है 15 नवंबर 2019। सभी ब्रॉडकास्टर 13 नवंबर 2019 तक इस ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चैनलों की, आखिरकार हमें इस ऑक्शन में कितने चैनल देखने को मिल सकते हैं। अगर चैनलों की बात करें तो लगभग 7 से 8 चैनल आपको इस ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। ये चैनल किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे कि धारावाहिक चैनल भी हो सकते हैं, मूवी चैनल भी हो सकते हैं, म्यूजिक चैनल भी हो सकते हैं, या फिर भक्ति चैनल भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रसार भारती ने बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन सी बकेट में कितने चैनल आएंगे। जो भी चैनल सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको इस ई ऑक्शन में विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो इस ई ऑक्शन के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का सही सही उत्तर दे सकूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।